स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन, खबर आप तक टाइम्स। गाजियाबाद से संवाददाता कपिल चौहान, मुंबई स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली गायिका लता मंगेशकर का रविवार सुबह निधन हो गया है। 92 वर्ष में लता मंगेशकर का निधन हुआ। पिछले कुछ दिनों से कोरोना होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। बता दें कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने लगभग 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताया शोक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे। नितिन गडकरी ने कहा कि लता मंगेशकर का निधन दुखद, उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। शनिवार को एक बार वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। बता दें कि जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वह न्यूमोनिया से पीड़ित हो गईं। हालत बिगड़ने के बाद शनिवार को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हट गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली।